24 घंटे के अंदर शालिनी जैन मर्डर केस का किया खुलासा। जी हां, रविवार 5 सितंबर की देर रात ग्वारीघाट थाना स्थित भीमनगर में हुई एक महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इधर घटना के बाद से फरार आरोपी को तलाश करने के लिए ग्वारीघाट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच जुट गई थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने शालिनी जैन हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल महिला की हत्या के आरोप में ग्वारीघाट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उसके दास्ता पति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चरित्र संदेह के चलते अपनी दास्ता पत्नी शालिनी जैन की धारदार हथियार से गला रेत कर और उसके बाद सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी पति भूपेंद्र गढ़ेवाल मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर ग्वारीघाट के पास से ही आज सुबह उसे गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि शालिनी जैन के कई और लोगों से अवैध संबंध थे। इतना ही नहीं, शालिनी जैन हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर अपने भाई के घर चले जाया करती थी और जब भी उससे घर के काम करने को कहो तो वह विवाद करने लगती थी। रविवार की देर रात भी भूपेंद्र जब घर पहुंचा तो उसका शालिनी से विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी ने पहले तो धारदार हथियार से उसके मुंह गले में वार किया और फिर घर पर ही रखा एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर पटक दिया, जिसके चलते शालिनी की मौके पर ही मौत हो गई। शालिनी जैन हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा करने को लेकर थाना प्रभारी ग्वारीघाट भूमेश्वरी चौहान, उप निरीक्षक श्रीराम रघुवंशी, सहायक उप निरीक्षक रणजीत सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सेन, आरक्षक तरुण मिश्रा, संदीप दुबे एवं क्राइम ब्रांच के साउथ निरीक्षक प्रमोद पांडे, प्रधान आरक्षक राम गोपाल, अजय सोनकर, आरक्षक अमित श्रीवास्तव की सराहनीय भूमिका रही है। थाना ग्वारीघाट क्षेत्रांतर्गत भीमनगर में हुए अंधे कत्ल की घटना का पर्दाफाश करने में थाना ग्वारीघाट पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त हुई है। घटना इस प्रकार है, कल 6 सितंबर को थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि भीमनगर में पप्पू गढ़ेवाल के मकान में एक महिला छत बिछत हालत में पड़ी हुई है, उसके सिर पर गंभीर चोटें हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी ग्वारीघाट और इसके पश्चात तो नगर पुलिस अधीक्षक केंट तत्काल मौके पर अपने स्टाफ के साथ वहां पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल टीम को भी बुलवाकर वहां पर घटनास्थल का मुआयना कराया गया। संपूर्ण विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि रात्रि में मृतिका पूछताछ के दौरान मृतिका का नाम शालिनी ज्ञात हुआ। ये ज्ञात हुआ कि शालिनी एक दिन पहले पप्पू गढ़ेवाल के साथ शाम को घर पर देखी गई थी। इसके आधार पर खोजबीन की गई, जिसमें पप्पू गढ़ेवाल अपने घर से फरार पाया गया। उसकी लगातार एक टीम बनाकर तलाश की गई और अंततः रात्रि में पप्पू गढ़ेवाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। और पूछताछ करने पर पप्पू गढ़ेवाल ने यह बताया कि शालिनी जो है शालिनी से उसने विवाह कर लिया था। रात्रि में उसने शालिनी ने नशे कर ली थी तथा रात्रि में उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो भी उसने खाना नहीं बनाया और वह परेशान हो गया और इसी कारण से वह बार इसके साथ ही साथ वह बार बार अपने मायके भाग जाती थी, ये उसने बताया। इस कारण से उसने रात्रि में अत्यंत क्रोधित होकर और उसके सिर पर घर का ही एक पत्थर है, घर के बाहर रखा हुआ था, वो पत्थर 3 बार उसके सर पर पटका, जिससे मौके पर ही उसकी शालिनी की मृत्यु हो गई थी। आरोपी के द्वारा पूरा इकबालिया बयान उस पर जो दिया गया है वो दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पप्पू गढ़ेवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसका आरोपी का कोई पूर्व रिकॉर्ड है? इसका कौन सा है? मारपीट का एक रिकॉर्ड, एक अपराध होना ज्ञात हुआ है और इसके अतिरिक्त और कोई अपराध नहीं है।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770222999।